तो चलिए आज हम आप लोगों को बताएंगे सेंटअप एग्जाम 2022 12वीं क्लास के बायोलॉजी का प्रश्न उत्तर। इसमें ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर बताने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में कुल 70 प्रश्न दिए गए पूछे गए थे, और इसमें से हमने जो है पार्ट टू वीडियो में क्वेश्चन नंबर 12 से क्वेश्चन नंबर 21 तक का हल किया था, और यह पार्ट थ्री वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक का हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। तो कहता आर्कियोपटेरिक्स इवोल्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड ऑफ एरा, यानी आर्कियोपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ। आर्कियोपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ, तो आर्कियोपटेरिक्स किस काल में विकसित हुआ। ऑप्शन ये है कार्बोनिफेरस, बी है क्रीटेशियस, सी है जुरासिक, डी है ट्राइएसिक। तो आर्कियोपटेरिक्स एक कनेक्टिंग लिंक है, योजक कड़ी है एम्फीबियन एंड बर्ड के बीच, यानी बर्ड सरीसृप और पक्षी के बीच का एक योजक कड़ी है, कनेक्टिंग लिंक है आर्कियोपटेरिक्स। तो आर्कियोपटेरिक्स किस काल में उसका क्या हुआ था, विकास हुआ था, इवोल्व हुआ था। तो आर्कियोपटेरिक्स इवोल्व ड्यूरिंग व्हिच पीरियड ऑफ एरा, तो इसका जो आंसर होगा ये जुरासिक पीरियड होगा। जुरासिक पीरियड में जो है आर्कियोपटेरिक्स का विकास हुआ था, किस पीरियड में, जुरासिक पीरियड में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जुरासिक पीरियड। अब है जीनोटाइप, क्वेश्चन नंबर 23, जीनोटाइप फिनोटाइप कॉन्सेप्ट फर्स्ट प्रोपोज्ड बाय, यानी जीनोटाइप फिनोटाइप अवधारणा जो है सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया। ऑप्शन है पुनेट ने, बैटसन ने, जोहानसन ने, सटेन एंड बोवेरी ने। बताइए इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। तो जीनोटाइप फिनोटाइप, जीनोटाइप का मतलब होता है जेनेटिक अपियरेंस, फिनोटाइप का मतलब होता है फिजिकल अपियरेंस। तो जीनोटाइप फिनोटाइप जो कॉन्सेप्ट दिया गया, जो अवधारणा दिया गया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोहानसन ने। जीनोटाइप फिनोटाइप कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट गिवन बाय जोहानसन, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 का था स्मॉल पॉक्स डिजीज इज कॉज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी स्मॉल पॉक्स जो डिजीज है, चेचक की बीमारी जो है, निम्नलिखित में किसके कारण होती है। ऑप्शन ए में है बैक्टीरिया के कारण, बी में है फंजाई के कारण, सी में है वायरस के कारण, और डी में है प्रोटोजोआ के कारण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 है व्हाट इज कॉल्ड सिमिलर होलोटाइप्स, व्हाट इज कॉल्ड सिमिलर होलोटाइप्स, अर्थात दो समान होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है ए आइसोटाइप्स, बी है मीजोटाइप्स, सी है सिनटाइप्स, और डी है मियोटाइप्स। तो यानी दो समान, जिसमें समान गुण होते हैं, तो सिमिलर, सिमिलर होलोटाइप्स, सिमिलर आइसो टाइप्स को सिमिलर होलोटाइप्स कहते हैं, इसका आंसर होगा ए। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 26, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द साइक्लिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन, ऋतु स्राव चक्र के दौरान चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है। ऑप्शन ये है इंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, कॉर्पस ल्यूटियम। तो इसका जो आंसर होगा है ने मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज किसमें होता है, तो इंडोमेट्रियम में होता है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है जिंजर इज प्रोपोगेटेड बाय, जिंजर, जिंजर माने अदरक, अदरक जो होता है खाने वाला सब्जी में हम लोग यूज करते हैं, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। तो अदरक यानी जिंजर इज प्रोपोगेटेड बाय, यानी अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है। ए में स्टेम यानी तना के द्वारा, बड कली के द्वारा, ट्यूबर ट्यूबर के द्वारा, राइजोम राइजोम के द्वारा। तो अदरक जो है उसमें जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वह राइजोम के द्वारा होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राइजोम। क्वेश्चन नंबर 28 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनडेंजर्ड स्पीशीज, इनडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब होता है कौन सा लुप्त प्राय प्रजाति है, जो लुप्त के कगार पर है, लुप्त प्राय प्रजाति। ऑप्शन ए है सनो लियोपोड बंगाल टाइगर, बी में है एशियन एलिफेंट, सी में बोथ ए एंड बी, और डी में है नन ऑफ द एबव। तो इनडेंजर्ड स्पीशीज जो है, लुप्त प्राय जो प्राणी है,
प्रजाति जो है वह है एशियन एलिफेंट अर्थात जो है एशियन हाथी है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है एमनियोसेंटेसिस इन्वॉल्व्स एनालिसिस ऑफ, यानी एमनियोसेंटेसिस जो है का किसका विश्लेषण होता है, एमनियोसेंटेसिस द्वारा किसका विश्लेषण किया जाता है, किसका एनालिसिस किया जाता है। ऑप्शन है एमनियोन, बी में है एमिनो एसिड, सी में है एमनियोटिक फ्लूइड और डी में है बोथ ए एंड बी। तो एमनियोसेंटेसिस जो है एक प्रकार का टेस्ट होता है, उसमें जो एनालिसिस होता है एमनियोटिक फ्लूइड का होता है, उसमें एमनियोटिक फ्लूइड निकाल करके उसका टेस्ट किया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। विच वन इज नॉट ट्रांसक्राइब्ड बाय डीएनए, यानी डीएनए के द्वारा किसका जो है प्रतिलेखन नहीं होता है, नोट कह रहा है यहाँ ट्रांसक्राइब्ड बाय डीएनए यानी किसका जो प्रतिलेखन डीएनए द्वारा नहीं होता है, एक्सॉन्स का, आरएनए का, एंट्रॉन का, डीएनए का। तो इसका सही आंसर होगा डीएनए, क्योंकि डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, डीएनए का रिप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए से डीएनए बनने की क्रिया को रिप्लिकेशन कहते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डीएनए। विच अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट, यानी ऊर्जा की कितनी मात्रा जो है एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ट्रांसफर होता है, तो इसका सही आंसर होगा 10%, यानी एक पोषी स्तर से एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल अगले ट्रॉफिक लेवल में ऊर्जा की 10% ही ट्रांसफर होता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी। और इसी को लिंडमैन का 10% लॉ भी कहा जाते हैं, यानी लिंडमैन के 10% का नियम भी कहा जाता है, जिसमें एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है उसकी मात्रा होती है 10% और 90% जो है जीवों के जो अन्य क्रियाएं होती है मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसमें खर्च हो जाता है, 10% का क्या होता है ट्रांसफर होता है। तो ये आज मैंने बताया है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 31 तक। इसके अगला वीडियो जो होगा पार्ट 4, उसमें हम क्वेश्चन नंबर फिर 32 से 41 तक हल करेंगे। तो इसी तरह अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए, कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।